Thank you.
गौशाला में घास हमारे संभालना है। कल से आपका नाम रिकमेंड हो गया। Thank you.
Thank you.
स्वामी जी का अभिवादन यहाँ सप्रेम समर्पित कर चुके हैं।
शोभा यात्रा में जिन्होंने भी सहयोग किया है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी का हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं और आदर करें अपने अपने स्थान पर बैठकर परम पूज्य स्वामी जी का और 21 मिनट का प्रवचन शुभारंभ करने की कृपा करें परम पूज्य स्वामी जी। जय श्री कृष्ण, जय गोपाल। चरण के साथ श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हो रहा है। आप जितने बैठे हैं पहले भगवान का मंगलाचरण करो ताकि हमको 7 दिन तक 4-4 घंटा बैठ के कथा सुनने की भगवान शक्ति दे। जो मंगलाचरण करेगा बहुत शक्ति मिलेगी। आइए सब मिलकर के मंगलाचरण अच्छा भाई शास्त्र तुम्हारा क्या कह रहा है। जहां भागवत की कथा होती है उससे पहले मंदिर से कलश यात्रा निकलती है। भागवत जी का पूजन होता है वहां मंदिर में। भागवत की पोथी को उठा करके जहां कथा स्थल होता है वहां ले जाया जाता है। माथे पर कलश, कलश पर श्रीफल। देखा उस शोभा यात्रा में, उस कलश यात्रा में जो सम्मिलित हो जाता है, भागवत की पुस्तक को माथे पर रख रखता है, कलश को माथे पर रखता है, एक एक पैर रखता है। वाजपेय सतानी च
को सहस्र फलम लभेत। ये भागवत में लिखा हो। वाजपेय सतानी च राजसूय सतानी च अश्वमेध सतानी च गो सहस्र फलम लभे। सो राजसूय यज्ञ करने से, सो अश्वमेध यज्ञ करने से, सो वाजपेय यज्ञ करने से और 1000 गौ दान देने से जो फल मिलता है वो फल तो मंदिर से भागवत के साथ चल के आता है, उसको मिल जाता है। लेकिन भाई हर किसी से आया नहीं जाता है। कोटि जन्म समुथे न, 1 करोड़ जन्मों का जब पुण्य उदय होता है, जब माथे पर कलश रखा जाता है, वो 1 कोटि, मैं नहीं कह रहा हूं, कोटि जन्म समुथे न, जिसने माथे पर कलश रखा, कलश पर श्री फल, अरे यहां नंगे पैर आए, गंगा सागर गए हो ना, कलश में क्या होता है, पानी। ये गंगा यमुना सरस्वती कावेरी कृष्णा सरयू नर्मदा गंगा सागर पुष्कर प्रयागराज सारे तुम्हारे माथे पर तीर्थ है, वो सारे तीर्थों को माथे पर लाई हो। ऊपर क्या था, श्री फल, श्री फल कहते हैं लक्ष्मी फल, जो माथे पर कलश उठा लेती है कोई सौभाग्य महिला, कोई कन्या, कहते हैं उसके घर में जब तक गंगा यमुना सरस्वती कावेरी कृष्णा सरयू नर्मदा गंगा सागर तब तक रहता है, तब तक उसके घर में श्रीफल यानी लक्ष्मी का फल, बोलो ना, हमेशा के लिए रहता है। गंगा यमुना सरस्वती, ये बड़ी भारी लक्ष्मी की कृपा हुई है, तुम्हारे पितरों के आशीर्वाद से ये काम हुआ, हर किसी से नहीं उठाया जाता है। और ज्यादा मन में पाप होगा ना, उसको तो कल से उठाते ही शर्म उड़ाने लग जाएगी। पुण्य पितरों के आशीर्वाद मिले, और एक एक पैर रखते हो, या आए हो ना, एक एक पैर रखा है, एक पैर रखते ही तुमको 1 राजसूय यज्ञ का फल मिलता है, जो नंगे पैर आए हैं, इतना महत्व है। युधिष्ठिर जी ने यज्ञ किया, राजसूय, राजसूय यज्ञ के उसको कहते हैं, कोई यज्ञ में आ गया वो भूखा नहीं जा सकता, उसका नाम बोलो ना, राजसूय। तो भगवान कृष्ण ने एक यज्ञ में घंटा लगाया, मंदिर में घंटा होता है ना, ऐसा घंटा लटका दिया, कहा युधिष्ठिर तेरा यज्ञ सफल है इसका पता लगेगा इस घंटे से। कैसे महाराज, जो यज्ञ की पूर्णावती हो जाएगी और ब्राह्मण संत महात्मा भोजन कर देंगे तो ये यज्ञ का घंटा अपने आप बज जाएगा। अरे अपने आप बजे तो कह समझ लेना तुम्हारा यज्ञ सफल हो गया, अरे घंटा नहीं बजे ना, समझ लेना यज्ञ में कोई कमी रह गई, यज्ञ पूरा हुआ, पूर्णावती हुई, ब्राह्मण संत महात्मा आबाल वृद्ध जन सबने भोजन कर दिया, लेकिन घंटा नहीं बजा। युधिष्ठिर जी का मुख उतर गया,
भगवान कृष्ण ने कहा, रे युधिष्ठिर इतना उदास क्यों है तू? कहा महाराज क्या कमी रह गई मेरे यज्ञ में, ये घंटा नहीं बजा है। तो भगवान ने कहा कोई ना कोई तुम्हारे राज्य में भूखा है, नहीं तो घंटा बज जाता। पहले देखो कोई भूखा तो नहीं है। पूर्व की तरफ भीमसेन को भेजा, का पूर्व दिशा में जाके आ, कोई भूखा तो नहीं है। दक्षिण के अंदर नकुल को भेजा कि दक्षिण दिशा में कोई भूखा तो नहीं है। और पश्चिम के अंदर सहदेव को भेजा और उत्तर में अर्जुन को भेजा, वहां तीन दिशा में तो कोई भूखा उनको मिला नहीं। उत्तर दिशा में अर्जुन गया था, वहां पर एक बट वृक्ष के नीचे महात्मा भूखा बैठा हुआ है, तपस्या कर रहा है। अर्जुन ने जाके थोड़ा आवाज घंटी वो सीटी दे रहा है, थोड़ा ठीक करो। अर्जुन ने जाके अपना परिचय दिया, महाराज मैं युधिष्ठिर का छोटा भाई हूँ, अर्जुन मेरा नाम है। मेरे भाई ने राजसूय यज्ञ किया है और भगवान कृष्ण ने कहा कि यज्ञ में घंटा पूर्णावति हो जाएगी तब बज जावे, तो समझना राजसूय यज्ञ सफल है। तो घंटा बजा नहीं, आप भूखे हैं मेरे भाई के राज में, आप कृपा करो यज्ञ में चलो भोजन करो। तो महात्मा क्या कहता है, अरे अर्जुन तेरे भाई युधिष्ठिर ने कितने राजसूय यज्ञ किए हैं? यज्ञ तो एक ही किया है। तो भैया मेरा एक नियम है, मैं उसके घर का भोजन करता हूं जो 100 राजसूय यज्ञ कर चुका हो, और तेरे भाई ने एक किया है। अरे मेरा नाम है बोलो, 100 राजसूय यज्ञ जो करता है उसके घर का अन्न ग्रहण करता हूं मैं, मेरा नियम नहीं तोड़ूंगा। अर्जुन आ गया, भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन कोई भूखा है क्या? कहा महाराज भूखा तो है, उत्तर दिशा में गया हूं, वहां एक संत बैठा है, तो लाया क्यों नहीं? उसको भोजन कराना था, वो भोजन नहीं करेगा तब तक घंटा नहीं बजेगा। कहा महाराज जी उसने कहा है जो 100 राजसूय यज्ञ करे उसके घर का भोजन करता हूं, तुम्हारे भाई ने एक ही किया है। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, मैं जाता हूं, मैं बुला के लाता हूं। भगवान जाने लगे और द्रौपदी कहने लगी भगवान आप क्या जा रहे हो? मैं जाऊंगी महाराज, द्रौपदी बुलाने जा रही है। तो रथ सजाया दरवाजे पर, भाई द्रौपदी रथ पर बैठ के जाएगी महात्मा को बुलाने, पुष्पों से बड़ा रथ सजाया। द्रौपदी बाहर निकली, रथ सजा हुआ है वो, द्रौपदी ने कहा रथ को हटाओ, मैं रथ पर चढ़ करके महात्मा को बुलाने नहीं जाऊंगी, मैं नंगे पैर जाऊंगी महात्मा को बुलाने। चप्पल ही नहीं पहनी, नंगे पैर गई। जा महात्मा बेटा हुआ था, द्रौपदी ने जाके नमस्कार किया, परिचय दिया कि मैं युधिष्ठिर जी की धर्मपत्नी हूं, महाराज जी मेरे पति ने राजसूय यज्ञ किया है, भगवान कृष्ण ने घंटा लगाया है, सब भोजन कर चुके हैं, आप भोजन करोगे तब घंटा बजेगा, क्योंकि आप हमारे राज्य में भूखे बैठे हो। महात्मा कहता है द्रौपदी तेरे पति ने कितने राजसूय यज्ञ किए? का एक किया है। तो भाई मैं मेरा नियम नहीं तोड़ूंगी, मैं मेरा नियम नहीं तोड़ूंगा। मेरा नेम है जो 100 राजसूय यज्ञ करे उसके घर का मैं भोजन करूं। तो द्रौपदी क्या कह रही है,
महाराज जी शास्त्र को मानते हो? क्या बोला बोलो? शास्त्र को मानते हो? महात्मा ने कहा शास्त्र को मानता हूं। और एक बात ध्यान दे लेना, भगवान को नहीं मानने वाला नास्तिक नहीं होता है। जो शास्त्र को नहीं मानता है वो व्यक्ति नास्तिक होता है, क्योंकि शास्त्र भगवान के विरुद्ध कोई बात कहेगा ही नहीं। जो शास्त्र मान लेता है वो बोलो ना भगवान को, उसको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र कहता है यह शास्त्र विधि मुत सृज्य वर्तते काम कारता है न स सिद्धि ममापनोति न सुखम न पराम गतिम। शास्त्र की मर्यादा छोड़ के मनमानी ढंग से कोई कार्य करता है न उसको सिद्धि मिलती है न उसको परलोक में गति होती है। तो बताओ शास्त्र को मानते हो? हाँ मैं शास्त्र को मानता हूं। पितृपक्ष चल रहा था, ध्यान देना, अभी क्या चल रहा है? पितृपक्ष चल रहा है। भगवान राम गया में गए पिताजी का श्राद्ध करने, भगवान होते हुए भी। क्यों? शास्त्र कहता है पिता पुत्र का कर्तव्य है पिता का श्राद्ध करे, ये पुत्र का कर्तव्य है। अब शास्त्र को मानेगा तो श्राद्ध भी करेगा, और शास्त्र को नहीं मानेगा श्राद्ध नहीं कर सकता। अब गया में श्राद्ध कर रहे थे, मध्याह्न का समय हो गया। एक बात कहता हूं, शास्त्र कहता है पिता का दादे का या किसी का श्राद्ध होना 12 बजे से पहले किसी को भोजन मत कराओ, क्योंकि 12 बजे से पहले देव कार्य होता है और 12 और 2 बजे के बीच में पितृ कार्य होता है। तो तर्पण करने बैठ गए 12 बजे, भगवान राम भैया पितृ कार्य शुरू हो गया, पितृ बेला समय शुरू हो गई। तर्पण किया, पिंड दान देने लगे। उस समय दशरथ जी कहते हैं ऐसे हाथ निकाल दिया, दशरथ जी को भूख लग गई महाराज, 12 बजे और 2 बजे के बीच में पितरेश्वर को गए, महाराज तुम्हारे पितरों को नहीं मिलेगा। थोड़ी शास्त्र की बात है समझना, पितरों का श्राद्ध हमेशा कितने बजे होता है बोलो? 12 और 2 के बीच में। किसी को पितरों के निमित्त भोजन कराना है 12 और 2 के बीच में कराओ, 12 बजे से पहले नहीं। तो दशरथ जी 12:30 बज गए, भूख लग गई दशरथ जी को, वो भूखे थे, अब पिंड दान देने लगे ना। दशरथ जी ने हाथ निकाल दिया इस गया में और कहा राम मेरे को भूख जोर के लगी है तो मेरे हाथ में ही पिंड दान दे दे। आज भी कोई गया जाता है ना वो हाथ निकला हुआ है उसका दर्शन करना पड़ता है। आज भी बताते हैं कि देखो यहाँ पर राम जी ने पिंड दान किया श्राद्ध किया तो दशरथ जी ने ये हाथ निकाला का मेरे को भूख लगी है। तो राम जी क्या कहते हैं, पिताजी भूख लग गई लेकिन ये पिंड में हाथ में नहीं दे सकता। बोलो ना क्या कहा? पिंड हाथ में नहीं दे सकता क्योंकि शास्त्र कहता है पिंड कभी भी हाथ में नहीं दिया जाता, पिंड कुशा पर दिया जाता है, डाब पर दिया जाता है। तो आपने हाथ निकाल दिया, मैं शास्त्र को नहीं, हाँ पिताजी आपको भूख लगी है मैं रोटी दे सकता हूं हाथ में लेकिन पिंड नहीं दे सकता। तो सीता जी पास में थी, हो सीता जी ने विचार किया सुसज जी मांग रहे हैं ये दे नहीं रहे हैं। राम कहते हैं शास्त्र की मर्यादा नहीं छोड़ूंगा, पिंड कभी भी हाथ में नहीं दिया जाता कुशा पर। तो सीता जी ने क्या किया, मिट्टी का पिंड मिला करके अपने ससुर जी दशरथ जी को पिंड दे दिया। आज भी तुम गया में जाओगे ना जहां पर दशरथ जी का हाथ निकला हुआ है वहां पिंड दान देते हैं, वहां चावलों का पिंड या जौ के आटे का पिंड नहीं लगता है,
आज भी वहाँ पर मिट्टी का पिंड दिया जाता है, मिट्टी का पिंड। तो संत ने कहा शास्त्र को मानता हूं मैं, बोल। तो द्रौपदी कहती है शास्त्र को मानते हो? गुरुदेव हमारा शास्त्र कहता है किसी संत के पास या भगवान के मंदिर में या जहां भागवत की कथा होती है वहां कोई एक एक पैर चलता है उसको 100 पैर रखते 100 राजसु यज्ञ का फल मिलता है। ये शास्त्र कहता है, शास्त्र को मानते हो? का मानता हूं। तो मैं मेरे घर से चल के 1000 पैर यहां आपके पास नंगी आई हूं, नंगे पैर आई हूं। तो एक पैर रखने से 100 राजसु यज्ञ का फल मिलता है, मैं यहां 5000 पैर रखती हुई गिनो मेरे घर से यहां तक 5000 पैर हो गए। तो एक पैर पर 100 राजसु यज्ञ है तो 5000 पैरों में कितने हो गए बोलो, बाणिया हो हिसाब लगा लेना। शास्त्र को मानते हो? यह शास्त्र कह रहा है इतने राजसु यज्ञ मैंने कर दिए, बोलो। शास्त्र को मानते हो तो भगवान को मानो, शास्त्र को मानते हो तो मेरे पति ने 1 राजसु यज्ञ नहीं किया है, मैंने 1 राजसु यज्ञ नहीं किया है, मैंने तो 1000 राजसु यज्ञ कर दिया। चलो मेरे घर भोजन करने, ये तो शास्त्र मानते हो। महात्मा ने कहा द्रौपदी बात तो तुमने ठीक की है, मैं शास्त्र को मानता हूं और तुमने यहां दर्शन किया नंगे पैर आकर के 1000 राजसु यज्ञ कर दिए, तो चलो मेरे घर मारा संत को आना पड़ा हो। और जय राजसु यज्ञ वहां के संत बैठा, द्रौपदी ने भोजन कराया, संत ने 1 ग्रास दिया कि यज्ञ का घंटा अपने आप, बोलो ना। अरे तुम जितने भी आए हो नंगे पैर, तुम्हारे पितरेश्वरों का मोक्ष का घंटा बज गया है, शास्त्र कभी झूठा नहीं हो सकता। ये पित्री कल्याण वास्ते, पित्री मोक्षा और मोक्षा मोक्ष के लिए और गौ रक्षण के लिए भागवत होती है वो, और पित्री पक्ष में श्राद्ध करते हो, पहले श्राद्ध में 5 बलि निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है? पहली भोजन बनाए वो गाय के लिए, बोलो निकालते हो ना। दूसरा भोजन कुत्ते के लिए निकालते हो, तीसरा अतिथि के लिए निकालते हो, चौथा कीड़ी मकोड़ी के लिए और 5वां कौवे के लिए। ये 5 बलि वैश्वदेव कहते हैं इसको, निकालते हो ना। क्यों निकालते हो? हमारे तुम्हारे घर में 5 प्रकार का पाप हमेशा होता है, कोई घर बच नहीं सकता 5 पापों से। पहले नंबर झाड़ू निकालते समय पाप होता है, कीड़ा मकोड़ा मर जाता है। दूसरे नंबर स्नान घर में पलिंडे में पानी की जगह पर भी छोटा मोटा कीड़ा मर जाता है। तीसरे नंबर अग्नि में चूल्हे में भी, बोलो ना, कोई गैस के नीचे भी है। पहले लकड़ियों का होता वहां तो बहुत मरते थे, लेकिन अभी भी कोई छोटी मोटी कीड़ी मकोड़ी चूल्हे बगैर काम चलता नहीं, मरता ही है। कितने हो गए? 3। चौथे नंबर में चक्की में छोटा मोटा कीड़ा मरता है, और चक्की नहीं है तो मिक्सी तो है ना। हाँ, मिक्सी में भी कोई ना कोई तुम चीज पीसोगे, किसी में न किसी चीज में कीड़ा जरूर होगा। वो अनार का जूस ले रहे हैं मिक्सी के अंदर तो कोई उसमें भी छोटा मोटा कीड़ा, बोलो ना, होता है, बच नहीं सकते। 5वें नंबर उंकड़ में, उंकड़ नहीं है तो मांदस्ता है, सवेरे सवेरे बींदनी बींदनी अदरक डाल के चाय बनाना, बोलो, उस अदरक में भी छोटा मोटा कीड़ा। ये 5 प्रकार के पाप
चाहे कितना ही बड़ा घर हो, चाहे कितना ही छोटा घर हो, चाहे संत का हो, चाहे महात्मा का हो, चाहे गरीब का हो, चाहे धनी का हो, ये पांच प्रकार के पाप हर घर में होते हैं। उसके लिए पंच बलिवेश्वधि गाय के लिए रोटी निकालनी पड़ती है, और ये गो रक्षण के लिए ही बोलो ना, और ये भी पितृ पक्ष में हो रही है। महाराज भागवत में आने से तुमको और शोभा यात्रा में नंगे पैर चल के आने से तुमको हजारों राशि यज्ञ का फल मिला है, और एक हजार गौ का दान देने का फल मिला है जो यहां तक नंगे आया है। मैं भागवत के साक्ष्य में कह रहा हूं, ये भागवत में लिखा है 1000। तो विचार करो तुम भाव भक्ति श्रद्धा के साथ 7 दिन अपने पितरों का स्मरण करके आओगे, और तुम्हारे तो पितरेश्वर महाराज सब यहां बोलो ना सबके बैठे हैं। तो पितरों के कल्याण के लिए भागवत सुनना, और घर से आते समय पितरों को याद करके जब 2 बजे आओ ना बड़ा याद करके, और एक चीज जरूर लाना साथ में, तुलसी जी भागवत पर जरूर चढ़ाना। दूसरा आसन जरूर लाना। पितृ कल्याण के लिए तुम भागवत सुन रहे हो, अपने आसन पर बैठ करके तुम कथा सुनोगे 4 घंटा तक, ये साधना कम नहीं होगी। और 4 घंटा बैठ के कथा सुनोगे तुम्हारे आसन में इतनी शक्ति आ जाएगी, वो आसन भागवत वाला तुम घर ले जा करके सवेरे जब माला फेरो, पाठ करो, पूजा करो, उस आसन पर बैठ के करना महाराज, तुम्हारा मन एकाग्रचित जरूर हो जाए। जगह का प्रभाव आता है, आसन का प्रभाव आता है। तुम्हारा जगह भी बहुत बढ़िया माहेश्वरी भवन, आसन तुम्हारा जगह का बहुत प्रभाव है। घर की जगह का प्रभाव अलग है, मंदिर की जगह का प्रभाव अलग है, और तीर्थों की जगह का प्रभाव अलग है, गौशाल की जगह का प्रभाव अलग है। तुम्हारा सत्संग मैश्री भवन की जगह का भी प्रभाव अलग है, सिनेमा के जगह का प्रभाव अलग है, तो शमशान भूमि की जगह का प्रभाव भी बोलो ना, जगह का भी प्रभाव आता है, जगह भी बहुत बढ़िया। और यहां पर तो लगभग मेरे को 7-8 भागवत इसी प्रांगण में करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ, और इस जगह पर आप लोग ये गोरक्षण के लिए भागवत कथा कर रहे हो, तो आसन जरूर रखना। और क्या क्या करना है, पितृपक्ष में हम भागवत के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। बस अभी ये सोच लेना कि हमने हजारों राशि यज्ञ कर दिए और 1000 गायों का दान तो आज तुम्हारा हो ही गया है। मैं गारंटी ले रहा हूं, मैं कह रहा हूं शास्त्र झूठा नहीं हो सकता, मैं कह रहा हूं भागवत झूठी नहीं हो सकती। जब भागवत कहती है गो शास्त्र फलम लभेत, जो भागवत को माथे पर ऊंच के लाता उसको 1000 गायों का फल मिलता है दान करने का। और तुम उन गायों के लिए या कुछ न कुछ जरूर पितरों के निमित्त दोगे, तो उस पुण्य का तो हिसाब दारा महाराज, मैं तो एक मनुष्य हूं, ब्रह्मा जी अपनी बुद्धि से हिसाब लगाएंगे तो भी नहीं हो पाएगा। तुम्हारे पितरेसा गायों को दोगे, जितने गाय के रोम है उतने करोड़ों वर्षों तक स्वर्ग में आनंद लेंगे, आनंद लेंगे, और ये कहेंगे मेरे कुल में कोई ऐसा जन्मा तो सही कि पितृ पक्ष में भागवत की कथा सुन रहा है। आज तुम्हारी पितृश्वर अति धन्य हो गए, उनके प्रेम के अश्रु आ रहे हैं कि
देखो मेरे कुल में ऐसा जन्मा। तो भाई दोनों सुनना, पितरों के लिए भागवत दोनों सुनो, मन को एकाग्र रख के सुनो। तो आगे मैं ज्यादा सुनना है ना, हमेशा 2 बजे आ जाया करो। अभी तो बस इतना हूँ, आप सब मेरे को जानते हो। समय का ध्यान रखना, काल की मूर्ति सबके पास है, और मूर्ति घर में आ जावे उसकी पूजा नहीं करे तो पाप लगे। तुम जयपुर जाते हो बाजार के अंदर मूर्तियां देखते हो, तुम कोई नमस्कार नहीं करोगे कोई पाप भी नहीं लगेगा, और नमस्कार करोगे कोई पुण्य भी नहीं है, बोलो ना पड़ी है। लेकिन उस मूर्ति को तुम घर में ले आओ और उसकी पूजा नहीं करो तो बोलो ना पाप लगेगा। हाँ, इसकी पूजा क्या है, या तो घड़ी बांधना मत, और घड़ी बांधो तो पूजा करो। इसकी पूजा क्या है, सवेरे 5 बजे उठना है ये उसकी पूजा है, वहाँ 5:30 बजे स्नान करना है ये इसकी पूजा है, और 5:30 बजे से 7:30 बजे तक माला फेरनी है ये पूजा है, समय पर भोजन करो 12 बजे करते हो 12 बजे ही करो ये इसकी पूजा है, दुकान तुम जाते हो 11 बजे तो 11 बजे ही जाओ ये इसकी पूजा है, भागवत में आओ तो जो भागवत का समय बताए उसी समय आओगे तो ये पूजा है, समय रखा है 2:30 बजे से 6 बजे तक, और कहोगे आप तो 4 बजे चल जाने सरे नहीं ये पूजा नहीं है। फिर तो मूर्ति घड़ी रखना ना था, घड़ी रखो तो पूजा करना, ये खरीद के लाओ मत, और लाए हो तो इसकी पूजा है, समय पर उठना, समय पर कथा में जाना, समय पर अपना कार्य करना। तो भाई ये काल की मूर्ति की भी पूजा तुम समय पर करना, मेरी कथा में 5 मिनट के हेरा फेरी नहीं होती है। मेरे तो भागवत में मैं सोचता हूँ, कई बार पहले दिन कथा के अंदर 5-7 जने बैठे रहते हैं, और आयोजक लोग कहते हैं महाराज जी अभी तो आए नहीं, पहला दिन है आप कथा रुको। मैं कहता हूँ मेरी भागवत के अंदर 33 करोड़ देवता बैठे हैं, 88,000 ऋषि बैठे हैं, इससे बढ़ के कौन श्रोता हो सकता है। तो इस भाव वाला बता हूं, तुम 5 आओगे तो भी वही कथा है, और 5,000 आओगे तो वही कथा है, मेरी कथा समय पर होगी, क्योंकि मैं तो भागवत में सोचता हूं 88,000 ऋषि 33 करोड़ देवता, और ये तुम्हारे कितने पितरे सब सुन रहे हैं, बस इस भागवत में इन्हीं पितरों को ही मैं मुख्य श्रोता के रूप में कथा सुनाऊंगा। अभी समय हो गया, समय पर जाना और भोजन करके, महाराज 2:30 नहीं हो सके तो हम 2:15 बजे आने का प्रयत्न करूं।